ज्योति सचार जी, मार्च महीना आने वाला है और मार्च महीने में शादी विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश के लिए कौन कौन से शुभ तारीख है ताकि जो जातक हैं वो इन तारीखों को देखकर अपना मांगलिक कार्य पूर्ण कर सके। जय बाबा विद्यनाथ। अब मार्च के महीने में लगन बहुत कम दिया हुआ है क्योंकि संक्रांति के हिसाब से 14 मार्च को मीन का संक्रांति हो जाएगा, सूर्य भगवान मीन राशि पर चले जाएंगे, इसलिए उस मीन राशि को खरमास कहा जाता है। तो खरमास में व्रत त्यौहार नहीं होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन और विवाह आदि जो मांगलिक कार्य शुभ कार्य होते हैं उसको खरमास में वर्जित किया गया है। तो 1 मार्च से प्रारंभ होकर के मार्च महीने के 1 मार्च से सारा शुभ कर्म प्रारंभ होगा और 13 मार्च तक चलेगा। जैसे कि 13 मुंडन का कार्य यदि करना हो तो मुंडन का दिवस 1-8 मार्च को दिया हुआ है और गृह प्रवेश का दिन जो है 2, 6, 7, 11 और लास्ट 13 तारीख तक आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। विवाहादि कार्य जो है वह 13 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। 13 तारीख जो है मासांत दोष है, 13 तारीख तक आप विवाह इत्यादि कर सकते हैं। पुनः 17 अप्रैल से आपका विवाह शादी प्रारंभ हो जाएगा जो कि मात्र 25 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच में आपको विवाह शादी संपन्न कर लेना है।